हेलो जी, मेरा नाम है कौशिक पटेल और आप देख रहे हैं कौशिक टीच। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में, बराबर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। तो ये इंडिकेटर्स के बारे में हमने जाना था, तो आज हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिकेटर RSI, उसके बारे में जो ज़्यादा पॉपुलर है, बराबर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर उसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो सेटिंग, यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ RSI आपको कहाँ पे मिलेगा। आप इंडिकेटर पे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लिखना है RSI में ये आपको दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, बरोबर, तो आपको मिल जाएगा RSI। मेरे पास एक था, दो हो गए, तो मैं एक है वो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, बरोबर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मतलब जो RSI था, बरोबर, उसको यहाँ पे लगा दिया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, कई बार जो ये लाइन है, मतलब बहुत नीचे जाती है, कहीं ऊपर जाती है, कहीं नीचे जाती है। यहाँ पे हमको दो लेवल दिए गए हैं, एक 70 का और दूसरा जो है वो 30 का। तो उसमें आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब जब ये 70 के ऊपर जब निकलता है, तो उस जब सिचुएशन को बोलते हैं ओवरबॉट। ओवरबॉट यानी कि जो बायर है वो मतलब ओवरबॉट, मतलब ओवर बाइंग हो चुकी है, इसीलिए उस सिचुएशन को बोलेंगे ओवरबॉट। और जो 30 के नीचे है वो है ओवरसोल्ड, मतलब कि यहाँ से जो सेलर है उनका इंटरेस्ट जो पहले सेल करने का था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, मतलब कि वो जहाँ यहाँ पे इंटरेस्टेड थे, मतलब सेल करने के लिए, वो यहाँ पे इंटरेस्टेड इतना नहीं है, सिंपल भाषा में, बरोबर। जितना यहाँ पे बाइंग करने के लिए बाहर इंटरेस्टेड थे वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, मतलब कि वो निकल जाएंगे या तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बरोबर। तो ये दो सिचुएशन है, ओवरसोल्ड एंड ओवर बॉटम। तो उसके अंदर हमें मतलब ट्रेड कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे जो मिडल का जो लेवल है 50 का, तो उस वो हम यहाँ पे लेवल लगा देते हैं। अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हो। आप यहाँ पे मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ मेरे पास नहीं है, बरोबर। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी 50 के ऊपर, बरोबर। अब जो हमें जो करना है, हमारा जो ट्रेड है हमें कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, तो वो यहाँ पे आपको मतलब पता चल जाएगा, बरोबर। ये लुपिन का चार्ट है, तो ट्रेड करने के लिए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो आप सबसे पहले यहाँ पे जान लो कि हमारा जो एंट्री होगा, जो 50 का जो लाइन है अप क्रॉस करके जब ओवर निकलेगा तब हम बाय करेंगे, 50 के नीचे निकलेगा तब हम उसे सेल करेंगे, बरोबर। प्रॉफिट बुकिंग का जो रूल्स है वो ये है, 70 के ऊपर क्रॉस करता है उसके बाद नीचे आता है, बरोबर, बाय के ट्रेड में, तो उसे हम यहाँ बुक करेंगे। अगर डबल टॉप वाली सिचुएशन है तो हम, बरोबर, यहाँ पे एग्जिट करेंगे, 70 को क्रॉस करके नीचे आता है तो निकल जाएंगे, डबल टॉप दिख रहा है तो भी हम निकल जाएंगे, लोअर हाई बना रहा है तो भी हम निकल जाएंगे, SL ट्रिगर होगा तो भी हम निकल जाएंगे, और प्रीवियस कैंडल के मतलब बाय लगा तो प्रीवियस कैंडल के नीचे अगर लो मिलता है तभी हम निकल जाएंगे, बरोबर। इसी तरह सेल में भी सेम सिचुएशन है, उसके ऑपोजिट है। आप देख लो, हाँ, लो डबल बॉटम, डबल टॉप था, इसी जगह पे डबल बॉटम है, 30 के नीचे निकल के वापस ऊपर आएगा तो हम निकल जाएंगे, बरोबर। SL ट्रिगर होगा तो हम निकल जाएंगे, लो हायर लो बनाएगा तो हम निकल जाएंगे, प्रीवियस कैंडल के ऊपर अगर हाई देता है तो हम निकल जाएंगे, बरोबर। तो हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे बात करें एंट्री और एग्जिट की, तो थोड़ा आगे ले जाते हैं तो थोड़ा मज़ा आएगा। अब आप एक मिनट, लेवल हट जाता है, बरोबर। हम यहाँ पे आगे ले जाते हैं, चलो यहाँ से शुरू करते हैं हम, बरोबर। तो
हम यहाँ पे जो पहला बाय का ट्रेड लेते हैं यही से चालू करते हैं, बाय से ही चालू करते हैं। चलो 50 के ऊपर हमारा जब यहाँ से निकला, बराबर है, पचास के ऊपर जब यहाँ से निकला बराबर, तो हमारा जो टारगेट हो, जो हमारा एंट्री जो होगा वो इस कैंडल के आसपास होगा बराबर। मतलब जो ये क्रॉसओवर यहाँ पे मिला है इस कैंडल पे, इस कैंडल के ऊपर हमें एंट्री मिली, अगली वाली कैंडल पे हमें जो लेना है वो एक्शन लेना है, मतलब कि बाय करना है। तो यहाँ से हम बाय करेंगे और जो हमारा क्रॉसओवर वाला जो कैंडल था उसका लो के नीचे हमारा एसएल बनेगा, उसका जो लो है उसका ये लो है तो उसका एसएल आप यही कहीं रख सकते हो आप बराबर नीचे। सिचुएशन हमने देखी थी कि अगर हाई बनाया बराबर, फिर उसने एक लो बनाया, यहाँ पे आप देख रहे हो दूसरी बार उसने हाई बनाया, 70 के ऊपर गया बराबर, नीचे आया, नीचे देखो पहला हाई बनाया उसके बाद उसने दूसरा हाई बनाया, मतलब पिछले हाई से ज़्यादा ऊपर बनाया। तीसरी बार उसने क्या किया, एक लोअर हाई दिया, मतलब कि यहाँ तो क्या हाई दिया उसके ऊपर एक हाई, उसके ऊपर एक हाई, लेकिन उसके नीचे एक भी हाई नहीं बनाया। अब इसने क्या किया, यहाँ पे हाई बनाया और उसने एक लोअर हाई यहाँ पे बनाया, तो ये हमारा एग्जिट का पॉइंट है बराबर। अब हमारा ट्रेड यहाँ पे ख़त्म हो गया बराबर। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका रिस्क लेना ही है तो आप और लाइन ड्रॉ कर दो, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी आपको पता चले, लेकिन वो मैं किसी और दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आपका ट्रेड यहाँ पे ख़त्म हो गया। हम यहाँ पे दूसरा ट्रेड ले लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमारा जो क्रॉसओवर मिला इस रेड कैंडल के आसपास, उसके पीछे आप सेल लगाओ, अगले कैंडल पे आप सेल लगाओ, बाद में के भाव नीचे आया बराबर। लेकिन यहाँ पे हमारा जो एक कंडीशन थी कि अगर जिस पे हमने लगाया है अगर उसके ऊपर क्लोज दे देता है बराबर कैंडल, तो हमारा एसएल ट्रिगर हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे एसएल हुआ। आपके एसएल भी होगी तो बहुत छोटे छोटे होगी, आप यहाँ पे देखो बराबर, ये लास्ट वाली मूवमेंट है, मतलब तो उसे हम अगर ट्रेड लेते हैं तो आप रिस्क है, अगर नहीं लेना चाहते हो बराबर तो अवॉइड करो तो अच्छा है। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे हमें एक क्रॉसओवर मिला इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे हमने उसका हाई के ऊपर हमने क्या किया, एसएल लगाया, और यहाँ पे हमारा सेल सिग्नल था, हमने यहाँ पे बराबर स्टॉक के अंदर क्या किया, सेल किया। तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि एक लो लगाया उसके बाद दूसरा लो लगाया बराबर, अगर लोअर हाई हाई लोअर, मतलब कि जो पिछला लो लगा था उसके ऊपर अगर एक लो बनता है, अगर लोअर लो बनाता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लोअर हाई बना रहा है यहाँ से देखो और ये देखो दूसरा है, तो हमारा ये एग्जिट का पॉइंट रहेगा। तीसरा हम देखते हैं, हमको यहाँ पे एक सिग्नल मिला इस रेड कैंडल के आगे वाले में, हमने बाय किया, एसएल यहाँ पे लगाया बराबर, यहाँ पे क्रॉसओवर मिला। अब देखते हैं पहला उसने हाई यहाँ पे लगाया, दूसरा हाई उसके ऊपर है, देखो आप उसके ऊपर है, तो मतलब यहाँ पे क्या हमारा ट्रेंड कंटिन्यू है, उसके ऊपर आप देखो उससे भी बड़ा हाई लगाया, लेकिन हमारा ट्रेंड क्या है, कंटिन्यू है, आप देखो बराबर। यहाँ पे क्या होगा, या तो अगर नीचे क्रॉसओवर हो जाता है तो हमें अपना एसएल देखेंगे, अगर एसएल ट्रिगर हुआ या नहीं हुआ, तो हमारा जो कैंडल पे जो क्रॉसओवर था वो इस कैंडल के आसपास था, और जो लो होगा वो हमारा इसके कंपैरिजन में जो ये कैंडल है उसके नीचे का लगेगा, तो मतलब यहाँ भी हमारा एसएल जो है वो हिट नहीं हुआ है, ट्रेड कंटिन्यू है, आगे जाता है। अब ये यहाँ से निकल के वापस ऊपर गया तो हम फिर से हाई लो का कैलकुलेशन करेंगे, पिछली बार जो हाई लगाया उससे आगे वाला जो हाई था वो कंपैरिजन में इक्वल है, आगे वाला है उससे भी बड़ा हाई है, फिर एक लो लगाया, फिर ऊपर जाता है, फिर एक हाई लगाता है बराबर। अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने जो लोअर हाई, मतलब कि जो ये हाई बनाया था उसके नीचे ये लो हाई बनाया है, तो मतलब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट किया 84 से, और हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आपको मिलेगा
95 बराबर। हम यहाँ पे एग्जिट ले लेते हैं। हमारा तीसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड कहाँ पे होगा, ये जो है क्रॉस ओवर हमें इस कैंडल पे मिला, मतलब कि जो मार्केट ओपनिंग हुआ बराबर 10 मिनट के बाद हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे हमको क्रॉस ओवर मिला, हम इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हैं। तो हमारा जो SL बनेगा बराबर, वो उसके ऊपर वो SL बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप आपको क्या करना है, आगे वाली भी कैंडल आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर देख सकते हैं। अगर ये थोड़ा वॉलेटिलिटी कारण बड़ा है तो आपका जो SL है, मतलब मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक यह लाइन ड्रॉ कर दो बराबर, आपने इस कैंडल पे लिया है तो आप उसके ऊपर लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट हो चुका बराबर, मार्केट नीचे ओवरशोल्ड हो चुका। हमारे यहाँ पे एक और कंडीशन थी, क्या थी, कि अगर डबल बॉटम बनाएगा तो हम एग्जिट कर लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉटम हुआ बराबर, हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो गए। अब हमको क्या करना है, आगे आप देखो, आगे आप देखो, मतलब यहाँ पे हमें कोई ऐसा ट्रेड मिल ही नहीं रहा है। देखो आप, हमारा जब क्रॉस ओवर होता है तभी हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे क्या, मार्केट ओपन हुई तो क्रॉस ओवर मिला, लेकिन उसके बाद अगली कैंडल में क्या हुआ, बाय के लिए मिला था, लेकिन वो नीचे आया, नीचे आया तो आपको मतलब यहाँ तक का लो हुआ है। आप देखो यहाँ तक का लो हुआ है उसमें भी बराबर, यहाँ के अगर नीचे क्रॉस हो, ये तो ओपन हुआ था, ओपन होते ही ऊपर आ गया, तो हमारा यहाँ पे ट्रेड जस्टिफाइड नहीं होगा। अगला लास्ट में आप देखो यहाँ पे मतलब ओपन होते ही थोड़ा नीचे आया, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा सेल का। अगर आप सेल के लिए देखो तो इस कैंडल के आसपास आप सेल करोगे, नीचे आएगा बराबर। तो नीचे में आपको क्या करना है, नीचे के अगर आप देखते हो तो हमारा एक भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होता है। अगर फिर भी आप कंटिन्यू रहते हैं तो आगे दिखते क्या होता है, यहाँ पे हमारा कोई कंडीशन फुल नहीं हुआ, यहाँ पे एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया बराबर। तो मतलब जो क्रॉस ओवर हमें वापस ऊपर मिल गया है, तो ज़्यादातर हम उसे क्या करेंगे, हम मतलब जो ट्रेड बना है उसके अंदर हम एग्जिट भी ले सकते हैं। अगर आप देख सकते हो SL भी है, तो हमारा SL भी हम मतलब ट्रेल हो सकता है, तो हम निकल भी सकते हैं बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका SL होगा तो बहुत छोटा होगा, और जब आपका जो टारगेट मिलेगा और वो बहुत बड़ा मिलेगा। फिर हम इसी पॉइंट की बात करते हैं, हम यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं बाय के सिग्नल के लिए, तो इस कैंडल के ऊपर जो ट्रेड बना उसके ऊपर हम बाय यहाँ पे लेते हैं। हमारा SL कहाँ होगा, प्रीवियस कैंडल जो है उसके लो के नीचे, तो ये प्रीवियस कैंडल ये है, तो हमारा SL 850 के आसपास बनेगा बराबर, और 859 के आसपास हमारा बाइंग बनेगा। अब देखते हैं अब क्या होता है, अब हम ऊपर जाते हैं बराबर, फिर जो स्टॉक है बराबर एक हाई बनाया, उसके बाद ये हाई, फिर ये हाई, मतलब ये हाई जो बना रहा है आप देख रहे हो, ये अब एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है। ज़्यादातर आप देखो तो मतलब एग्जिट के लिए ही बता रहा है, तो 2-3 रुपये का प्रॉफिट है। उसके बाद आप आगे जाओ, आगे जाके आप यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा है बराबर बाय के लिए। ज़्यादातर बाय मतलब किस ट्रेंड में मज़ा आता है, मतलब कि जो RSI तो अच्छे तरीके से घूम के अगर क्रॉस ओवर देता है तो वो ट्रेंड जो होता है वो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी पॉजिटिव होता है। आप यहाँ पे देखो मतलब साइड वेज में चला जा रहा है मार्केट, तो उसमें क्या होगा कि आपको ऐसे ट्रेड ढूंढेंगे आप, लेकिन दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ सेल का सिग्नल मिला, अगर हम यहाँ पे सेल कर लेते तो वापस ऊपर आ जाता, हमारे SL यहाँ पे ट्रेल हो जाता। मान लो कि हमने यहाँ पे लिया होता अगले कैंडल पे, यहाँ पे यहाँ पे SL हो जाता, तो उसमें थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है। लेकिन आप ढूंढोगे तो अच्छे ट्रेड आपको मिल ही जाएंगे बराबर। SL भी होगी तो आपके बहुत छोटे छोटे होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा SL में लंबा है तो आप ट्रेड ही मत लो बराबर। तो अगली बार देखो हमारा यहाँ पे कोई ट्रेड है ही नहीं, अगर हम बाय के लिए यहाँ पे एंट्री करते हैं बराबर, एंट्री यहाँ पे करते हैं, और उसके कंपैरिजन में जो दूसरी कैंडल का जो लो है
दूसरी कैंडल जो है, यहाँ पे तो कोई कैंडल है ही नहीं, लेकिन हम यह कंपेरिजन करते तो ये कैंडल आती है, तो उसका लो के नीचे ऐसे लो बनेगा। फिर से अगर हम यहाँ से बाय करते हैं अगली कैंडल पे 59 से, बरोबर, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, देखो ये एक और ये हाई बनाया, फिर ऊपर गया तो जो हाई था उसके ऊपर बना, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, बरोबर, ये हाई बनाया। 45 एंगल वाला नहीं है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, ऐसा अगर हाई दिखता है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड क्या है, कंटिन्यू है, बरोबर, उसके नीचे आया, नीचे आया और ये फिर नीचे लो बनाया, मतलब जो हाई था पिछले हाई से नीचे हाई बनाया, तो ये हमारा एक एग्जिट पॉइंट होता है। लोगे इस कैंडल पे 859 से 59 से 68 तक का, बराबर, और ये हमारा जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हो तो यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर मिला इस कैंडल पे, तो आगे वाले में हम सेल करेंगे, SL जो होगा हमारा 67 का होगा, बराबर, नीचे आया, नीचे आया, अगर आप देख रहे हो नीचे आ रहा है, बराबर, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लो बनाया, उसके बाद उसने फिर से एक लो बनाया, फिर गया वो ऊपर, हमारे यहाँ पे था, यहाँ का SL था, SL भी ट्रिगर नहीं हुआ, बाद में वो फिर से नीचे आया। अगर उसको टच कर के आता है तो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन, हम फिर से मतलब हाई लो वाला है वो फॉर्मूला फिर से गिना जाएगा। अगर ये फिर से देखो ये लो लगाया, फिर से एक लोज है जो पिछले लोज है कंपेयर में बड़ा लो है, बराबर, फिर एक हाई लगाया, फिर उसने एक लो लगाया, और यहाँ पे क्या हमें एग्जिट पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है इस कैंडल पे। खुला आप देखो, अच्छा जो ट्रेड है वो आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली जैसे तो बात नहीं है। यहाँ पे आप देखो, खुलते गैप अप ओपनिंग हुआ है, RSI ऊपर गया है, बरोबर। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, उसने नीचे क्रॉस ओवर किया है, अगर हमने यहाँ पे सेल लिया है तो हमारा जो SL होगा, बरोबर, हमारा SL यहाँ पे होगा इस कैंडल के हाई पॉइंट के ऊपर। हाई पॉइंट कौन सा है, ये रहा, अगर हमने यहाँ पे सेल किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, बरोबर, तो आप यहाँ पे देखोगे ऐसा मतलब हिट नहीं हुआ है, थोड़ा बाकी है, फिर वो ऊपर आया, फिर से कैलकुलेशन करे, एक लो, दूसरा लो यहाँ पे, बरोबर, तीसरा, मतलब मार्केट जो है पूरा उसमें साइडवेज है, आप देख लो साइडवेज में है। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपके 2 बार SL होते हैं तो आप उस दिन काम ही मत करो, क्योंकि 2 बार ऐसे मतलब होता है तो मतलब ज़्यादातर चांसेस साइडवेज में ही रहते हैं कि पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रहेगा। लेकिन आपको क्लियर कट जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखे आप वहाँ पे ट्रेड करो, तो आपको एक बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा। आगे आप देखो, कहाँ पे मिलता है एक अच्छा सा सेलिंग, अब एक यहाँ पे मिलता है, ऊपर गया था फिर नीचे आया, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से तो यहाँ भी बाय था, लेकिन साइड वेज में मार्केट के कारण अगर आप ट्रेड नहीं लोगे तो बढ़िया है, बराबर, आपने यहाँ पे सेल लगाया, फिर से आपका टारगेट काफ़ी नीचे आया, लेकिन हम उसे अवॉइड ही करेंगे, अगर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में जो नहीं है तो हम उसे अवॉइड ही करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे, बराबर, यहाँ पे उसने क्या किया, क्रॉस ओवर मिला है हमें इस कैंडल पे, तो यहाँ ये ट्रेड बनेगा, यहाँ पे आप उसका SL लगा सकते हो, फिर यहाँ पे आपने ट्रेड किया इस कैंडल में, बरबर, अगली वाली कैंडल में आपको ट्रेड ले ही लेना है। आप ये समझो, यहाँ पे उसने एक हाई लगाया, हाई लगा के फिर नीचे आया, नीचे आया, पिछली बार जो हाई अगला हाई लगाया वो पिछले हाई से मतलब ऊपर है, बरबर, फिर उसने एक यहाँ पे लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, तो यहाँ पे हमें एग्जिट मिलेगा इस कैंडल के ऊपर। तो हमने पूरा मंथ देख लिया, बरबा, आप इसी तरीके से किसी और भी स्टॉक में देख सकते हो, तो आपको मतलब जो आपको एक्यूरेसी अच्छा मिलेगा, जो ये है पॉपुलर इंडिकेटर है, तो बढ़िया सा ट्रेडिंग उसके अंदर रहता है, बरबा। हम और भी आगे मतलब जो है MACD है, स्टॉकिस्टिक्स है, तो वो सारे इंडिकेटर के बारे में हम जानेंगे।
बराबर। उसके बाद हम चार्ट पैटर्न के बारे में भी जानेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी जानेंगे। तो मतलब हम पूरा जो एनालिसिस है ये जो है सारा बेसिक है, अगर आप बेसिक क्लियर कर लोगे तो आगे दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर आपके पास बेसिक ही नहीं है तो आगे दिक्कत आने वाली है। तो उसको थोड़ा समझो, सोचो, उसके ऊपर RSI के ऊपर भी एक स्ट्रेटेजी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा भी, बराबर। अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको और आसान कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बराबर। देख, थैंक यू।